दोस्तों इंडियन टीम के ऑलराउंडर प्लेयर हार्दिक पांड्या इस समय अपनी डिवोर्स की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। तो इस वीडियो में उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक की लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है नताशा स्टैनकोविक और ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर, फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1992 को पोजारवेक, सर्बिया, यूरोप में हुआ और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 32 ईयर हो चुकी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई बलेंट हाई स्कूल नोवी सैड सर्बिया से की। दोस्तों नताशा का जन्म सर्बिया के पोजारवेक में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। नताशा को डांस में रुचि तब से विकसित हुई जब वह 3 साल की थी। उन्होंने सर्बिया के बैले डांस स्कूल में 17 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न डांस स्टाइलों में विशेषता हासिल की। इसके साथ ही नताशा ने सर्बिया में मॉडलिंग का काम भी शुरू कर दिया। साल 2010 में नताशा ने एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लिया और मिस स्पोर्ट्स ऑफ सर्बिया का खिताब भी जीता। इसके बाद वह मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई, भारत चली गई। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। मुंबई में उन्होंने एक मॉडल के रूप में पहला करियर शुरू किया। नताशा ने फिलिप्स, कैडबरी, टेटली, जे हैमस्टर, ड्यूलेक्स और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे डिफरेंट ब्रांडों के टीवी एड्स में काम किया। इन्होंने साल 2013 में उन्होंने बॉलीवुड मूवी सत्याग्रह के आइटम सॉन्ग में डेब्यू किया, जहाँ इन्होंने अयो जी हमारी अटरिया में सॉन्ग में एक्टिंग की। इसके बाद उन्होंने फुकरे रिटर्न, फ्राइडे और जीरो जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी स्पेशल भूमिका निभाई। साल 2014 में नताशा ने मूवी अरिमा नावी के सॉन्ग नानोम अनिल पादी में एक्टिंग करके तमिल फिल्म में भी अपनी शुरुआत की। उनकी कन्नड़ शुरुआत साल 2016 में मूवी दायना कायनो से हुई। साल 2014 में ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 8 का भी हिस्सा थी और साल 2019 में इन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9 में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट लिया अली गोनी के साथ, जिस पर ये थर्ड प्लेस पर रहे। इसके साथ साथ इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज का नाम था फ्लैश और साल 2014 में ये म्यूजिक वीडियो डीजे वाले बाबू में आई थी, जिसको बादशाह ने गाया था। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम गोरन स्टैनकोविक है। इनकी मदर का नाम रेडमिला स्टैनकोविक है। एक इनके ब्रदर हैं जिनका नाम नेहद स्टैनकोविक है। इनके हस्बैंड का नाम हार्दिक पांड्या है, जिनसे इनकी एंगेजमेंट 1 जनवरी 2020 को हुई और मई 2020 में इनकी मैरिज हुई। और अब ऐसे रूमर हैं कि ये डिवोर्स लेने वाली हैं। इनके एक बेटा भी है जिसका नाम अगस्त है, जो जुलाई 2020 को हुआ था। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको रीडिंग, बुक्स, ट्रैवलिंग, हॉर्स राइडिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है BMW एंड सेकंड कार है रेंज रोवर। अब इनकी इनकम एंड सैलरी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार ये हर महीने का लगभग 20 से 22 लाख रुपए कमा लेती हैं। साथ ही साथ ब्रांड एंड्रोस से भी लाखों रुपये कमा लेती हैं। अब इनकी नेटवर्थ देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 20 करोड़ रुपये है। तो ये थी नताशा स्टैनकोविक की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।